गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। जीडीए की तरफ से अवैध अतिक्रमण का ड्रोन के माध्यम से सर्वे किया जा रहा है, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने बताया कि जो हमारे विभिन्न जोन और इन जोन के जो संबंधित जेई व एई हैं, उनको यह निर्देश दिया गया है कि वो अपने क्षेत्र में निर्माणों को चिन्हित करें, जिससे कि अवैध निर्माण होने से पहले ही उस पर रोक लगाया जा सके। इसके लिए हम लोग ड्रोन की सहायता ले रहे हैं। इसमें पीएमयू टीम को जोन आवंटित किए गए हैं, वह लोग भी ड्रोन के सर्वे करके अवैध निर्माणों को चिन्हित कर रहे हैं, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने कहा, इसमें जो हमारे विभिन्न जोन्स हैं, इसके जो संबंधित जेईज हैं और एईज हैं, इनको ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि अपने क्षेत्र में निर्माणों को चिन्हित करें और कब्जा होने से पहले उसको रोका जाए। और इसके लिए हम लोग ने ड्रोन की भी मदद लेना शुरू किया है। पीएमयू टीम को भी जोन दिए गए हैं, आवंटित किए गए हैं अलग अलग मेंबर्स को, और वो लोग भी सर्वे करके अवैध निर्माणों को चिन्हित कर रहे हैं। जीडीए की तरफ से रामगढ़ ताल के किनारे कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने बताया कि जीडीए की तरफ से पीपी मॉडल पर कन्वेंशन सेंटर प्रस्तावित है, जो कि चंपा देवी पार्क के सामने दोनों पार्क है। इन दोनों भूखंडों को मिलाकर प्रस्तावित किया गया है, जिसका टेंडर किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि डिजाइन में कुछ बदलाव किया गया है, जिसको हम लोगों ने पूरा कर दिया है। जल्द ही स्वीकृति लेकर मौके पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने कहा, हमारा जो पीपीपी मॉडल पे कन्वेंशन सेंटर प्रस्तावित है, जिसमें चंपा देवी पार्क और उसके सामने जो वाटर पार्क है, ये दोनों भूखंडों को मिला के प्रस्तावित किया गया है पीपीपी मॉडल पे। इसका टेंडर अवार्ड हो चुका है और इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रक्रिया में है। जो डिज़ाइन में कुछ चेंजेस सजेस्ट किए गए थे, उसको हम लोग ने इनकॉर्पोरेट कर लिया है और शीघ्र ही इसकी स्वीकृति लेके मौके पे निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। जनपद के प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र का भ्रमण किया। आपको बता दें कि बुधवार को जनपद के प्राइमरी स्कूल के बच्चे टूर पर प्राणी उद्यान केंद्र गए थे, जहां पर उन्होंने अपने अध्यापक व अध्यापिकाओं के साथ प्राणी उद्यान घूमा, जहां पर उन्होंने प्राणी उद्यान के जानवर भालू, बंदर, शेर, चीता, सांप व मछली सहित अन्य जानवरों को देखा। बच्चों ने कहा कि हम लोग पहली बार यहां आए हैं, लेकिन यहां पर आकर बहुत अच्छा लगा, हम दोबारा भी यहां आएंगे। यहां पर जानवरों को देखने को मिला जो कि हम किताबों में पढ़ते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान घूमने आए बच्चे व प्राइमरी स्कूल के अध्यापिका सीमा ने कहा, चोरी विद्यालय से हैं, प्राथमिक विद्यालय चोरी नवीन से हैं, पूरा बार गोरखपुर से हैं। अच्छा लगा है बच्चों के साथ आके, यहाँ पे दूसरी बार मेरा है यहाँ पे, अच्छा लगा है बच्चों के साथ आए हैं, इंजॉय किए हैं काफ़ी बच्चे सब, कुछ सीखे भी हैं, बहुत सारी चीज़ें देखे हैं, हाँ जो नहीं देखे थे वो देख लिए हैं बच्चे सब। देखा जाए बच्चों को भी एक वन्य जीव के बारे में जानकारी दी जा रही है। हाँ, ये सब बच्चों के बारे में देखा गया है, बताया भी गया बच्चों, हाँ बताया गया कि कौन से जानवर हैं, कैसे हैं, इनका वेट कितना है, लंबाई हाइट सब कुछ लिखा ही था हर जगह, सब देखे हैं बच्चे। क्या नाम है आपका? सीमा सिंह। प्राइमरी स्कूल से। कहाँ से? जंगल राम चौर। क्या क्या देखा आप लोगों ने यहाँ पे? भालू, मोर, तोता। अच्छा लगा यहाँ पे आके? हाँ। इससे पहले कभी आए हैं आप? नहीं। फिर आएंगे दोबारा घूमने कभी? हाँ। क्या नाम आपका? सूरज। आप लोगों ने भालू, शेर, बाघ, चीता, मोर, तोता। अच्छा अच्छा लगा यहाँ पे? हाँ। इससे पहले कभी आए आपने? नहीं, पहली बार। हाँ। फिर दोबारा आना है? हाँ। क्या नाम आपका? हमारे शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र में एक जिला एक उत्पाद के तहत बांस से बने उत्पादों का स्टॉल लगाया गया है, जिसके संबंध में स्टॉल के ऑनर सिकंदर विश्वकर्मा ने बताया कि हम लोगों ने सरकार के बैंबू मिशन के तहत बांस की बनी उत्पादों का स्टॉल लगाया है, जिसको कैंपियरगंज में कॉमन फैसिलिटी सेंटर की महिलाओं के द्वारा बनाया गया है, जिसमें महिलाओं के द्वारा बांस का गुलदस्ता, टोकरी, पेन स्टैंड, रक्षाबंधन, कैरेट, कप सहित अन्य वस्तुएं बनाई जा रही हैं। यहां पर लोगों को काफी पसंद आ रहा है, जिसकी वजह से बिक्री भी ठीक ठाक हो रही है। We'll be right back.
इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र के स्टॉल के ऑनर सिकंदर विश्वकर्मा ने कहा, बाम्बू मिशन जो बांस उद्योग है वो हम चलाते हैं, बांस की सब आइटम है सर जी, ये सब बांस से बनाया जाता है। जो महिलाएं हमारे में लगभग 50 से 100 लोग महिला जुटी हैं हमारे पास, ठीक, वो सब लोग वहाँ पे यहाँ स्टॉल लगता है, वहाँ पे बनाती हैं, कैंपियरगन फैसिलिटी सेंटर जो कॉमन फैसिलिटी, हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। जैसे रक्षाबंधन का समय आता है, रक्षाबंधन बनाते हैं, उसके बाद क्या नाम है, कैरेट बनाते हैं, उसके बाद कफ बनाते हैं, उसके बाद और से जितने आइटम हैं बहुत से सारे नाव बनाते हैं, ये सब चीज़ें बनाते हैं, गुलदस्ता भी बनाते हैं, पेन स्टार है, मोबाइल स्टार है, पसंद आ रहा काफ़ी, बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। बिक्री वगैरह, बिक्री भी बहुत बढ़िया शुरू हो गया है, पहले तो नहीं हो रहा था लेकिन अभी बिक्री सबको जानकारी हो गया, धीरे धीरे सब शुरू हो रहा है। सिकंदर विश्वकर्मा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोरखपुर के विशेष सुरक्षा बल की 2वीं वाहिनी की स्थापना हेतु आवासीय भवनों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया, जिसका सीधा प्रसारण गोरखपुर के पीएसी बिछिया में किया गया। सभी पीएसी के अधिकारियों व कर्मचारियों ने वीडियो को देखा, वहां महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव द्वारा शिलापट को हटाकर शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरुवर, सीडीओ संजय कुमार मीना, पीएसी 26वीं वाहिनी के सेना नायक आनंद कुमार, पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अरविंद सिंह, सहायक अभियंता स्वप्निल चतुर्वेदी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश विदेश से प्रधान गणमान्य अतिथि और हमें सानिध्य मिल रहा है। मैं बहुत ही आदर के साथ आपसे अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर तेजी से पुलिस के आज के समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी, महानिदेशक साइबर क्राइम, एक श्रद्धालु के प्रति, बाहर से आने वाले व्यक्ति के प्रति तो अतिथि देवो भव के साथ होना ही चाहिए। और यह यूपी पुलिस ने बकायदा इसका पहले भी इस प्रकार को मैं देखता था, जब 2019 में जनवरी 19 में के लिए बैरक के लिए और हर प्रकार की सुविधा के लिए उपलब्ध हो सके यह पैसा उपलब्ध करवाया गया बिना किसी संकोच के उपलब्ध करवाया। संभवतः देश का पहला राज्य होगा आज के बाद जिसके पास सौ अपने साइबर थाने होंगे और यूपी के सभी 75 जनपदों के 75 साइबर थानों का शुभारंभ 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लिए। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस को हृदय से बधाई देता हूं, हो रहा है इसके लिए प्रदेशवासियों को हृदय से मैं बधाई देता हूं। और हॉस्टल के निर्माण के लिए भी कुछ का लोकार्पण हो रहा है, कुछ का शिलान्यास हो रहा है, कुछ नए थाने लोकार्पित हो रहे हैं, कुछ के शिलान्यास हो रहे हैं। पुलिस लाइन के शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का मतलब यूपी पुलिस की वह बिल्डिंग होगी, यूपी पुलिस के कार्मिकों की बैरक या उनका हॉस्टल होगा। और ये व्यवस्था हम लोगों ने हर जनपद में तैयार, कर्फ्यू ग्रस्त प्रदेश को, गंगा ग्रस्त प्रदेश को, माफियाओं से पूरी तरह ग्रस्त प्रदेश को इनका शिलान्यास हुआ है, इनके लिए बधाई देते हुए प्रदेशवासियों को भी बधाई देता हूं। इसका लाभ अंततः प्रदेशवासियों को, प्रदेश में आने वाले हर नागरिक को प्राप्त होगा, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद।